थैंक यू सॉन्ग तू ही तो है, तू ही तो था, सॉरी बहुत अच्छा सॉन्ग है। मैंने देखा लोगों के कमेंट्स भी एज वेल पढ़े, बहुत अच्छा रिव्यू है और काफ़ी अच्छा यू नो रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑडियंस से, तो क्या कहना चाहेंगे? और एक चीज़ सॉन्ग में मैंने शुरुआत में ऑब्जर्व की है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो ये कि आप पहुँचते हैं एंड आप अचानक रुकते हो और बोलते हो कि बस यहीं पर लगाओ और हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। जी जी। तो उस बारे में थोड़ा बताइए कि ये आइडिया, ये फॉर्मेट, क्योंकि इतने इस टाइम पे म्यूजिक एल्बम्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं और लोग प्यार कर रहे हैं म्यूजिक एल्बम्स को, जी, तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए, काफी अलग है बाकी सबसे, ये सोच के बारे में बताइए। अलग है, फर्स्टली आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि गाना चल रहा है अच्छी तरह से, और ये कॉन्सेप्ट पूरा श्रेय जाता है हमारे जो डायरेक्टर हैं, ही हैज़ रिटन द स्टोरी, तो पूरा स्क्रीन पे उन्होंने ये तैयार किया कि कुछ किस तरह से अलग प्रेजेंट करें, लेट अस जस्ट क्रिएट अ स्टोरी कि हम लोग वी आर गोइंग फॉर अ शो एंड इन मिडल ऑफ द जर्नी हम सेंस कर रहे हैं कि कुछ है यहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि चांद यही करते हैं, तो पूरा श्रेय उनको ही जाता है कि उन्होंने ये जो स्क्रिप्ट लिखा। आप म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, सिंगर्स, मतलब सारा पैकेज लेकर चलते हैं आप, तो ये मोटिवेशन, इतना खुद को पॉजिटिव कैसे रखते हैं और इतना सब काम साथ में कैसे संभाल लेते हैं? मतलब कह सकते हैं कि आप सारा ही अकेले खुद कर रहे हैं, कंपोज भी कर रहे हैं आप, म्यूजिक भी लिख रहे हैं, गाना भी गा लेते हैं। सी, फर्स्टली आई एम अ म्यूज़िक कम्पोज़र, आई स्टार्टेड माई करियर एज अ म्यूज़िक कम्पोज़र विथ यूनिवर्सल म्यूज़िक, मेरा डेब्यू हुआ था, फिर मैंने बंगाली फिल्म्स की एज अ म्यूज़िक कम्पोज़र। माई ड्रीम इज़ टू बी अ म्यूज़िक कम्पोज़र इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री, एंड येस म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ तो मुझे गाना आएगा। अगर मुझे गाना नहीं आया तो मैं कम्पोज़ कैसे करूँगी? तो मुझे गाना गाना पसंद है, अपने गाने पसंद है, और जो मेरे फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं उनके गाने गाना पसंद है। बाकी और कुछ मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस एक ही गाना मैंने लिखा है जो लास्ट ईयर मेरा रिलीज़ हुआ था, आई डोंट नो हाउ टू राइट, वो फ्लूक बाय फ्लूक इट जस्ट केम आउट ऑफ इट, दैट्स इट। आई एम अ म्यूज़िक डायरेक्टर एंड आई वांट टू सिंग बिकॉज इट्स माय पैशन एंड दैट्स इट। तू ही तो था, ये कैसे, मतलब किस तरह से, क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसे शुरुआत हुई और कैसे ये सॉन्ग पूरी तरह से बन के आज तैयार है और लोग प्यार कर रहे हैं, तो इसके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए कि कैसे शुरुआत हुई और कैसे यू नो चीज़ें गई। जी, आपको तो पता है लास्ट ईयर पूरा लॉकडाउन हमारा चला गया, सो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आई कंपोज्ड दिस सॉन्ग एंड मैंने सोचा लेट मी जस्ट कम आउट विद दिस सॉन्ग एज सून एज पॉसिबल। सो मैंने गाना रिकॉर्ड किया, फिर मैंने अपने मेरे जो डायरेक्टर हैं उनको मैंने बताया ऐसे ऐसे करना है, तो एवरीथिंग हैपन, यू नो चीज़ें बनती गई, प्लेसमेंट होते गए, एंड द एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड बिकॉज यू कैन से व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर एज अ टीनेजर आई ऑलवेज वॉन्टेड टू शूट इन द जंगल्स, सो इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन गोइंग टू द जंगल्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड शूटिंग देयर लाइव, दैट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस एंड दैट टू ड्यूरिंग विंटर्स, आई लव विंटर्स, सो इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, एवरीथिंग वॉज नाइस। या But I feel that whatever I'll deserve, it'll come to me. That's right. By God's grace. As well, I want to ask you ki films or music album. Yeah. तो ये दोनों की अगर comparison करेंगे, अगर versus करेंगे दोनों को, तो आपको क्या लगता है कि 3 से 4 मिनट में पूरी स्टोरी दिखाना, उसमें लोग ऑब्वियसली बहुत मेहनत रहती है, सिंगर, कंपोजर, डायरेक्टर, एवरीवन हैज हैव डन देयर बेस्ट, एज वेल एज 2 घंटे की फिल्म, तो कितना यू नो मतलब कितना चैलेंजिंग होता है किसी एक स्टोरी को जो 2 घंटे में हम दिखाते हैं किसी पिक्चर में, उसको 3 मिनट में 4 मिनट में किसी म्यूजिक में दिखाना? इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, नो डाउट, पर यही तो काम है कि जस्ट एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड जस्ट विन ओवर इट। एंड वन मोर थिंग, ये तो 2 घंटे की कहानी जो हम फिल्मों में देखते हैं और 3 मिनट हम लोग सिंगल सॉन्ग्स में देखते हैं, आपने गौर किया है कि जिंगल्स में 30 सेकंड्स में हम लोग को पूरा एड समझ में आता है, तो हैट्स ऑफ टू देम कि 30 सेकंड में हमें एड सिखा देते हैं, समझा देते हैं, तो 3 मिनट वी हैव अ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टाइम टू एक्सप्रेस अ स्टोरी एंड एक्सप्रेस अ यू नो म्यूज़िक। आगे और क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और कैसे किन मूवीज वगैरह में भी आपके सॉन्ग्स आने वाले?
जी आई एम प्रेजेंटली यू नो वर्किंग ऑन एन अनटाइटल्ड म्यूजिक. मैं एक फिल्म में काम कर रही हूँ, बंगाली फिल्म में, एंड जस्ट वर्किंग ऑन मोर सिंगल्स राइट नाउ. या आई एम ट्राइंग टू बी यू नो आई एम ट्राइंग टू मेक अ प्लेस इन द म्यूजिक रिल्म. वोयला डीजी विनीत जैन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन दैट ही आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू मिस्टर विनीत जैन एंड मिस्टर गिरीश जैन जी, जो जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और मेरे गाने को इतना उन्होंने समझा कि हाँ ये इस हमारे उनके प्लेटफॉर्म में रिलीज़ हो सकता है. सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू देम फॉर गिविंग मी दिस लवली प्लेटफॉर्म. अरे दे टू गुड, दे टू गुड. सिमरन जी एंड द टीम, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ. यू नो एक बहुत लिहाज, मतलब बहुत सम्मान से बात करते हैं और हर चीज़ को गहराई से समझाते हैं. एंड दे आर डूइंग द वर्क वेरी नाइसली, दे आर प्रमोटिंग मी, दे आर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म एंड एवरी थिंग. सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू देम एज वेल. व्हाट वुड यू से टू योर ऑडियंस जो आपको देख रहे हैं, जो शायद स्ट्रगल कर रहे हैं आज के डेट में म्यूजिक इंडस्ट्री में, जो कुछ बनना चाहते हैं, तो उनको क्या आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी कि कैसे वो यू नो मतलब बने रहे, डटे रहे और आगे बढ़े? सी ऑनेस्टली इट्स बिन मुझे 10 साल हो गए हैं मुंबई में. बस एक ही चीज़ है, इफ़ यू डिटरमिन, इफ़ यू हार्ड वर्किंग, इफ़ यू ऑनेस्ट, नो बडी कैन स्टॉप यू. एंड इफ़ यू बिलीव इन योर डेस्टिनी एंड इफ़ यू बिलीव इन गॉड फर्स्टली, सो नो बडी कैन स्टॉप यू. सो डोंट लूज होप.